आइए आपको सीधे गांधरबल लिए चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले कि कब और कैसे हुआ हमला, इसके साथ जानकारी उन घायलों की भी दीजिए जो इस हमले में घायल हुए थे और क्या कंडीशन है अभी। सिंधुदाता, देखिए, जो इस गगनघीर का इलाका है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ तक कि मीडिया की टीमों को तकरीबन 15 किलोमीटर पहले मणिगाम के पास रोक दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि यहाँ पे एक्टिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन दो हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने गगनघीर में इस कैंप साइट को निशाना बनाया जहाँ पे कल ये वारदात हुई। मैं बता दूं कि कल देर शाम सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि गगनघीर जो आपको टर्नकी प्रोजेक्ट नाम की कंपनी है उनकी कैंप साइट पे हमला हुआ था। गेट पे पहले फायरिंग हुई थी, गेट के पास मजदूरों को पहले निशाना बनाया गया था और उसके बाद ये बोला गया था कि कैंप के अंदर कुछ लोगों को जो है बंधक बनाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि कैंप के अंदर जो मजदूरों के शिविर थे, जो रहने की जगह थी उसको निशाना बनाया गया और जो ऑफिसर्स का रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहां पे भी फायरिंग हुई। यानी कुल मिला के देखे तो तीन जगह पे फायरिंग की गई और इन मजदूरों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 15 मजदूरों के जख्मी होने की पहले खबर आई थी जिसमें बाद में पता चला कि 7 जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिनमें बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज, जम्मू से 2 और बिहार और अन्य प्रदेशों से बाकी लोग हैं, जिनमें कुल 7 जो मारे गए हैं, जबकि अभी भी 4 लोगों का उपचार श्रीनगर स्थित सिकिम्स अस्पताल में चल रहा है, जिनको जिस्म के ऊपरी हिस्से यानी छाती, मुंह या कंधे, पेट में गोली लगी है, उनका उपचार चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस पूरे परिसर की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। मैं बता दूं सिनेलता, हम जिस जगह पे खड़े हैं ठीक वैसा ही बनाव उस जगह का है जहाँ पर ये घटना घटी थी। पहाड़ी ढलान के सामने ये कैंप बना हुआ है और कैंप के साथ ही जो टनल मोड प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है और इसीलिए ये जो सुरक्षा बलों की तरफ से बताया जा रहा है कि इन पहाड़ों को पार कर पाना किसी भी मिलिटेंट के लिए संभव नहीं है। इसीलिए संभवतः वो पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, इसीलिए तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील करके यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और देखे तो जिधर से भी हाईवे गुजरता है वहां पे नाके लगा दिए गए हैं, आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरीके से जो सुरक्षा बलों के नाके जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्ध से पूछताछ हो रही है और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो अंदर मिलिटेंट जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया कहीं वो भागने की फिराक में तो नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पे तैनात है, पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी यहां पे मौजूद हैं और इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो देखरेख कर रहे हैं, इसको चलाया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी जो हमलावर हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। सुनीलता, बिल्कुल आसिफ, जिस जो लोकेशन आप दिखा रहे हैं उसकी भौगोलिक परिदृश्य या फिर जिस तरीके का अभी दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी, क्या आपको लगता है कि अगर घेरेबंदी कर ली जाए तो इस ऑपरेशन में कितने आतंकी थे, एग्जैक्ट नंबर या फिर कुछ ऐसी जानकारी हो तो सफलता मिल सकती है जिस तरीके की घेरेबंदी अभी की जा रही है? बिल्कुल सुनीलता, देखिए, इस जगह में आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जो ये पीछे जो हाईवे दिख रहा है श्रीनगर ले हाईवे है और इसी के बाएं साइड पे ये पूरा कैंप का इलाका मौजूद है और यहाँ से बाहर जाने के लिए केवल ये इसी एक रास्ते का इस्तेमाल हो सकता है। कल जैसे ही घटना की खबर मिली सोनमर्ग के साइड से भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया और गांधरबल के साइड से भी इस रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और चूंकि दूसरे साइड से सिंध दरिया जो बहता है उसको पार कर पाना संभव नहीं है तो इसीलिए सुरक्षा बलों को पुख्ता इस बात का आशंका है कि जो हमलावर हैं वो इसी एरिया में अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि कैंप साइट जहां पे मौजूद है पहाड़ी ढलान के नीचे वो कैंप साइट मौजूद है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना संभव नहीं है क्योंकि ऊपर से भी सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है, इसीलिए संभवतः जो हमलावर थे वो या तो इसी इलाके में मौजूद हैं या फिर अब तक ऐसा देखा गया था कि ऐसी जगहों पर आतंकी हमले की खबरें आती थी जहां पर बहुत घना जंगल हो, भागना छिपना आसान हो, लेकिन इस बार जिस लोकेशन पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी खड़े हैं चारों तरफ हाईवे है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और यहां से उनकी धरपकड़ के लिए हमारी सेना मुस्तैद है। आसिफ,
आप नजर बना के रखिएगा, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम हर एक अपडेट पर। शुक्रिया जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।